बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाएं, आज हम आपको ये बताएंगे। जब आपको पहली बार एटीएम कार्ड मिलता है तो उसको आप पिन जनरेट कैसे करें वो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीएम कार्ड को मशीन में इस तरह से डालें। इसके बाद भाषा का चुनाव करें। यहाँ पे आपको अगर हिंदी चुनना है तो हिंदी चुने, इंग्लिश चुनना है तो इंग्लिश, मैं इंग्लिश को चुनता हूँ। इसका अगला ऑप्शन आएगा इस तरह से, तीन ऑप्शन है तो नीचे लिखा हुआ है सेट रीजनरेट, उस पर क्लिक करो जो ब्लैक कलर में दिखा है रीजनरेट नीचे, तो वो वाला बटन को चुनाव करें, बटन को दबाएं। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर टाइप करें, जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे टाइप करें। अकाउंट टाइप करने के बाद ऊपर करेक्ट पे करेक्ट वाला बटन दबाएं, फिर से वही अकाउंट नंबर टाइप करें, और अकाउंट नंबर दोबारा टाइप करने के बाद फिर ऊपर करेक्ट लिखा है वो वाला बटन दबा दें। यहाँ पे चार अंक का कोई भी नंबर डालें, जैसे मैं एग्जांपल दिया है 1 2 3 4, तो कोई भी चार नंबर टाइप करें, फिर कंटिन्यू वाला बटन दबाएं। फिर यहाँ पे लिखा है प्लीज़ इंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना वो मोबाइल नंबर डालें जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, तो वो नंबर यहाँ पर टाइप करके प्रेस करेक्ट पे क्लिक कर ऊपर वाला बटन दबा दें। आपके उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे वो ओटीपी टाइप कर देना है। आपके मोबाइल में रजिस्टर नंबर पे जो ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है, फिर ऊपर जो करेक्ट लिखा है प्रेस करेक्ट उस पर क्लिक ओके कर दे, बटन दबा दे। फिर यहाँ पे लिखा है प्लीज टू सेट न्यू पिन, तो ये बटन को दबा दें जहाँ पे लिखा है न्यू पिन। उसके बाद यहाँ पे आप अपना चार अंक का कोई भी पिन डाल सकते हैं, अपने पसंद का नया पिन, चार अंक का कोई अपना नया पिन यहाँ पे सेट डालें, फिर से वही चार अंक का पिन यहाँ पे एंटर कर दो, जो भी आपने पहले एंटर किया था वही चार अंक का पिन यहाँ पे एंटर करें। तो इस तरह से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम का पिन बना सकते हैं, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत ईजी आपका